आज की वीडियो में बताएंगे कि फेसबुक की न्यू आईडी कैसे बना सकते हो। सबसे पहले प्ले स्टोर से फेसबुक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में जो ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे सबसे नीचे क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डाल देना है जो भी आपका होगा, और उसके बाद में फर्स्ट नेम डालने के बाद में यहाँ पे लास्ट नेम यहाँ पे आपको डाल देना होगा। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम डाल दिया, उसके बाद में यहाँ पे लास्ट नेम आपको डाल देना है। उसके बाद में सबसे नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपको सबसे पहले यहाँ पे डाल देनी होगी। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका एयर होगा वो आप डाल दीजिएगा, और उसके बाद में सबसे नीचे यहाँ पे आपको सेट का ऑप्शन दिख जाएगा, सेट के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। और उसके बाद में यहाँ पर सबसे नीचे आपको दिख जाएगा नेक्स्ट का ऑप्शन, आपको नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने दूसरा पेज ओपन होके आ जाएगा, और यहाँ पे आपको मेल फीमेल दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर मेल हो तो आप मेल के ऊपर टिक लगा करके यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना होगा, और यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा, और जैसे नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पर पासवर्ड डालने के लिए बोला जाएगा। तो आप 6 डिजिट का या फिर 8 डिजिट का आप कोई भी एक अच्छा सा पासवर्ड डाल दीजिएगा, और नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा, आप सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इतना करने के बाद में यहाँ पे आई एग्री के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर सारी टर्म एंड कंडीशन होगी, पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने दूसरा पेज ओपन होके आ जाएगा कुछ इस तरह का, और यहाँ पे आप चाहो तो लोगो अपना ऐड कर सकते हो, फोटो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको सेव के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। तो मेरे पहले से ही इस नंबर पर फेसबुक की आईडी बनी हुई है, तो यहाँ पे लोगो दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे सबसे नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर अगर मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हो तो मोबाइल नंबर ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो आप सबसे ऊपर स्किप का ऑप्शन दिख जाएगा, आप यहाँ पर स्किप के ऊपर क्लिक करके स्किप के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में सबसे नीचे कंटिन्यू इन इंग्लिश आप क्लिक कर दीजिएगा, और उसके बाद में अगर आप फ्रेंड्स ऐड करना चाहते हो अपने फेसबुक पर तो आप अपना ऐड कर सकते हो, नहीं तो सबसे ऊपर स्किप का ऑप्शन मिल जाएगा, स्किप के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे लोगों के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। लोगों के ऊपर जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तुरंत यहाँ पे आपको कैमरा का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जो भी आप अपना फ़ोटो लगाना चाहते हो अपना प्रोफाइल पिक्चर पर तो आप अपना यहाँ पर फ़ोटो ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने फ़ोटो को ऐड कर दिया, सबसे ऊपर सेव का ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा, और उसके बाद में यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में यानी कि आपका जो प्रोफाइल फ़ोटो है वो यहाँ पे लग जाएगा कुछ इस तरह का। अभी थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाते हैं, ये आपका फ़ोटो लग गया, बैक आ जाना। अगर आप कवर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड कवर फ़ोटो का ऑप्शन दिख जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, और उसके बाद में चेंज फ़ोटो के ऊपर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे फ़ोटो ले लीजिएगा नया जो भी आप बैकग्राउंड में डालना चाहते हो बैक कवर में, तो आप यहाँ पे कर दीजिएगा। उसके बाद में जो आपका फेसबुक आईडी है इस तरह से यहाँ पे बन करके तैयार हो जाएगी। तो 2 मिनट के अंदर आप अपनी फेसबुक आईडी को यहाँ पे बना सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हमारी फेसबुक आईडी यहाँ पे बन करके तैयार हो चुकी है।